धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का एक और वीडियो वायरल, कट्टे से फायरिंग का आरोप। मध्य प्रदेश के भागेश्वर धाम महाराज यानी धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। अब धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग भी विवादों में फंस गए हैं। शालिग्राम गर्ग का एक नया वीडियो सामने आया। आरोप है कि वे कट्टे से फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था, उसमें वे कट्टा लहराते हुए दिख रहा था। इस मामले में भी केस दर्ज हो चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। किशन सैनी नाम के एक यूजर लिखते हैं, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वह उसमें खुद ही गिर जाता है, ये बिल्कुल सच्चाई है। अभी देख लो, जो दूसरे की पर्ची निकालता था उसके खुद के घर की पर्ची निकल गई, इसे पता ही नहीं चला। ये है एकदम सच्चा पाखंडवाद। ये शास्त्री नहीं तांत्रिक है। जागो और जगाओ, संविधान में थोड़ी देर है, अंधेर नहीं। तो एक यूजर लिखते हैं, असल चरित्र है इनका धर्म के आड़ में गुंडई। तो भाई अदनान शमी नाम के यूजर लिखते हैं, इसकी भविष्यवाणी को ज्यादा अच्छा बता दिया होगा। तो जवाहर यादव नाम के यूजर ने लिखा, यही असलियत है, लोग पहचानते नहीं हैं। तो एक यूजर लिखते हैं, गिरफ्तारी होगी भी कि ऐसे ही समझौता हो जाएगा, क्या कट्टे का लाइसेंस मिला हुआ है लहराने का। तो अनिल भास्कर नाम के यूजर ने लिखा, हिंदू धर्म इन जैसे लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है, हिंदू भाइयों से अपील है कि ऐसे लोगों का पैर पड़ना बंद करें, ये भगवान की आड़ में गलत काम करते हैं। तो वही सुरेश कुमार कौंडल नाम के यूजर ने लिखा, शास्त्री जी को सुधार की शुरुआत पहले अपने घर से ही करनी चाहिए थी। तो एक यूजर लिखते हैं, यही सब करने के लिए इसका भाई हिंदू राष्ट्र की मांग करता है। धीरेन्द्र शास्त्री के वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।